अमीर गेंदबाजी करेंगे जीवन, सामने छोर से गेंदबाजी की जाएगी, धुंडा शुरू किया अंपायर को पार करती हुई राइट हम और द विकेट गेंदबाजी की जाएगी यहाँ जीवन द्वारा। ये गेंद थी, पहली गेंद थी, उठा दिया था, खेलना चाहते थे, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद जाती शॉर्ट, एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र पर दिवेकर वसंत ने अपना खाता खोला, साथ ही साथ यहाँ टीम का खाता खोला कुतरी टीम का वसंत ने। वसंत जो कि पुणे में रहते हैं, सिंहगढ़ रोड प्रीमियर लीग में भी खेल चुके हैं तो अनुभव उनके पास बड़ा है। अगर महाड़ इलेवन टीम आई होगी तो फॉरम कमेंट्री बॉक्स से कांटेक्ट करें शिवाजीराव माणिक, आप संपर्क करें टीम से, इसके बाद अब उनको मुकाबला खेलना ही होगा, नहीं तो अपने पास टाइम ज़्यादा हो रहा है। बढ़िया गेंद, गेंद को खेल दिया, गेंद को खेल दिया था, डीप काउ कॉर्नर की तरफ निकलती हुई गेंद, जब तक गेंद को फील्ड किया, दो रन लेने का मौका था समीर के पास, दो रनों के साथ समीर ने अपना खाता खोला, कोतेरी टीम पहुंची तीन रन विरा कोई नुकसान के साथ, शायद बोला भी है। महाड़ इलेवन टीम अगर आई होगी तो फॉरन कमेंट्री बॉक्स से कांटेक्ट करें। महाड़ तालुका राष्ट्रवादी युवा मोर्चा द्वारा बढ़िया शॉट, एक्स्ट्रा कवर बॉडी के बाहर, स्वीपर कवर, एक्स्ट्रा कवर के बीचों बीच गेंद सीमा रेखा पार, बहुत ही बढ़िया खूबसूरत उसको। चार रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ सात रन है स्कोरबोर्ड पर, एक बिना कोई नुकसान के साथ एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है कोतरी टीम की। ये गेंद थी, अड़े बल्ले से गेंद को खेल दिया, गल्ले बल्ले का बड़ा प्रहार, लेकिन गेंद सीधे विकेट के पास, फील्डर के पास, इसी के साथ ही यह पहला झटका लगता हुआ यहाँ कोतरी टीम को। तो पहला झटका लगता हुआ यहाँ शिविर के रूप में, नए बल्लेबाज मैदान में जाते हुए, हेलो अब तो नए बल्लेबाज है मैदान में प्रदीप सकपाल, सात रन एक विकेट के नुकसान पर, सामने छोर से गेंदबाजी की जाएगी, जीवन गेंदबाजी करेंगे, जीवन को मिली पहली सफलता थी सामने छोर से राइट मोड़ दो विकेट, ये जब सन्ने गेंद को उठा दिया, गेंद को बल्ले ने किया प्रहार, गेंद सीमा रेखा पार, अंपायर का इशारा छह रन। तो हल्की सी ओवर पिच गेंद थी, लेग स्टंप पर गेंद थी, उसका फायदा उठाया, स्विंग के सारे गेंद को खेल दिया, काउ कॉर्नर के ऊपर से गेंद जाती हुई छह रन के लिए, सामने छोर से जीवन राइट हम और विकेट गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद थी, बढ़िया गेंद थी, ब्लॉक होल पर गेंद को फेंका था, खेलना चाहते थे मिड विकेट स्क्वायर लेग की दिशा में, साथ ही साथ ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति हुआ, स्कोर है जो कि स्कोर बोर्ड पर 13 एक विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक करेंगे प्रदीप सकपाल, हार्ड हिटर बल्लेबाज माने जाते हैं, लेकिन आपने टीम के लिए अभी तक कोई योगदान बड़ा नहीं दिया है, जब भी शॉट खेले हैं ताकत का शायद इस्तेमाल करने में थोड़े भूलते हैं, गेंदबाज है सनी, सनी कोटे का पहला टीम का दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी की जाएगी। महाड़ इलेवन टीम अगर आई होगी तो फौरन कांटेक्ट करें कि हम आए हैं, निश्चित रूप से आपका कांटेक्ट होना चाहिए। शिवाजी राव यादव माड़िक आपका राह देख रहे हैं, आपकी सागर काते राह देख रहे, अनिकेत राह देख रहे, महाड़ी लियोन का ये फुल टॉस थी, ऑन द राइज खेल दिया, स्क्वायर लेग की दिशा में निकलती गेंद, सिंगल दिया जाएगा प्रदीप को,
सिंगल के साथ प्रदीप ने अपना खाता खोला, कुतरी टीम पहुंची 14 रन एक विकेट के नुकसान पर। महाड़ तालुका राष्ट्रवादी युवा मोर्चा द्वारा आयोजित राष्ट्रवादी युवक ट्रॉफी 2022 का शानदार आयोजन कोल की क्रीड़ा नगरी पर। और ये राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो आयोजन किया जा रहा है ट्रॉफी का, इसके पीछे बहुत बड़ा सपोर्ट है। कोकण के भाग्य विधा थे कोकण भूषण, कोकण रत्न, रायगढ़ जिला के विद्यमान खासदार और दिल्ली के तखत पर महाराष्ट्र के धकधकती तोप बुलंद आवाज सुनील भाई टटकरे, इनका बहुत बड़ा योगदान है इस टूर्नामेंट को आयोजित करने में। महाड़ तालुका का राष्ट्रवादी कांग्रेस को बहुत बड़ा सपोर्ट, उनके साथ है जिले के पालक मंत्री आदित्य भाई टटकरे, अनिकेत भाई टटकरे, इन लोगों का सपोर्ट है महाड़ तालुका का राष्ट्रवादी युवा मोर्चा को इस टूर्नामेंट को आयोजित करने के लिए। सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन एक विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है यह गेंदबाज सनी द्वारा, राइट हम ओवर द विकेट, ये फुल टॉस थी, लेग स्टंप पर थी, खेलना चाहते थे, एक्रॉस द लाइन थे, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का, एक अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि 16 रन एक विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है, राइट हम ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप की थोड़ी बाहर थी गेंद, पुल करना चाहते थे, जोरदार अपील थी लेकिन उत्साह ज़्यादा, आत्मविश्वास की कमी। प्रदीप सकपाल जिस शॉट के लिए जाने जाते हैं वो शॉट देखने को नहीं मिल रहे, अपने फॉर्म से झुटते हुए प्रदीप सकपाल, शायद उन्होंने चैंपियन लीग में अच्छी बल्लेबाजी की थी तुडिल में, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद भी मुकाबला हारे थे चैंपियन लीग में, तो आज अपनी टीम कोतरी के लिए कुछ करना होगा। शॉट गेंद बैकफुट जाकर पुल करने की कोशिश थी, काफी हवा में गेंद थी, गेंद को छोड़ दिया शाह, नो मैन लैंड में गेंद गिरी, सिंगल मिला प्रदीप को, सिंगल मिला कोतरी को, कोतरी पहुंची 17 रन एक विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है, वसंत ने एक छक्का लगाया, बढ़िया छक्का था, काउ कॉर्नर के ऊपर से गेंद को खेल दिया था 6 रन के लिए। वसंत काफी अनुभवी खिलाड़ी है वसंत कोतरी के, ये गेंद थी ऑस्टम की थोड़ी बाहर थी, गेंद को खेल दिया था पॉइंट के ऊपर से, गेंद जाती हुई डीप बैकफील्ड पॉइंट पर, देखना होगा अंपायर का इशारा। तीसरा रन लेने की कोशिश और तीसरा रन भी आसानी से पूरा, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 3 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि 20 रन एक विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक गेंद पर है प्रदीप सकपाल, जिस बल्लेबाजी के लिए उनको भेजा गया हो शॉट देखने को नहीं मिला, अच्छी गेंदबाजी हो रही है प्रदीप सकपाल के खिलाफ सनीर की। ये गेंद थी, उठा दिया गेंद को स्क्वायर लेके ऊपर से बल्ले का बाकी का कड़ा प्रहार, गेंद सीमा रेखा नहीं, डिक्लेयर जोन में जाएगी गेंद, एक रन दिया डिक्लेयर जोन है ना, एक रन, गेंद दीजिए मैदान में, एक रन दिया जाएगा, काफी एक रन तो खेले, एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि 21 रन। तो सिंगल दिया जाएगा, सिंगल के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन एक विकेट के नुकसान पर। तीसरा परिवर्तन है, गेंदबाज है विशाल, विशाल पंचाल खेल रहे बिजगर टीम में,
जयेश इनका यहाँ अगवर हो चुका है। निश्चित रूप से डिक्लेयर जोन पे जाएगी गेंद, उनका स्वागत किया जा रहा है महाड़ तालुका राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस द्वारा। एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन एक विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर है। विशाल पांचाल गेंदबाजी करेंगे, टेनिस बॉल क्रिकेट का और एक बड़ा नाम विनर विभाग का बड़ा खिलाड़ी है विशाल पांचाल। अपने ओवर की अगली गेंद डालने के लिए तैयारी, छोटा सा बड़ी रन पर राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी की जाएगी अजित मोहिते पहली गेंद से। शंकर भाड़िक एक्वा फार्मा के मैनेजर है, एचआर मैनेजर उनका यहाँ आगमन हो चुका है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। महाड़ तालुका राष्ट्रवादी युवा मोर्चा द्वारा, महाड़ तालुका राष्ट्रवादी युवा मोर्चा द्वारा आयोजित ये राष्ट्रवादी युवक ट्रॉफी और ट्रॉफी का चौथा दिन का ये दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है कोतिरी बराम बिजगर के बीच ये मुकाबला। स्कोर बोर्ड पर तीसरा ओवर प्रगति पर, स्कोर बोर्ड पर रन है 22 रन एक विकेट के नुकसान पर। ये गेंदी फिर से ऑफ स्टंप पर गेंदी, स्क्वायर कट किया था, गेंद जाती हुई डी बैकवर्ड पॉइंट पर गली के थर्ड मैन के क्षेत्र पर निकलती हुई गेंद।
दो रन एक विकेट के नुकसान पर वसंत सामने छोर से राइट हम ओवर दो विकेट गेंदबाजी की जाएगी। एक गेंदी आगे आकर गेंद को उठा दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश, लेकिन डीप लॉन्ग ऑन पर विकास के हाथों में थमती हुई गेंद के साथ दूसरा विकेट का पतन। राइट हम ओवर द विकेट विशाल के लिए, ये गेंद को खेल दिया था ऑन द राइज, खेल दिया था उसको विकेट की दिशा में निकलती गेंद, विशाल पांचाल है स्ट्राइक गेंद पर जाते हुए दूसरी रन लेने की कोशिश, देखना होगा खतरा, और इसी के साथ अंपायर का इशारा आउट। मुन्ना समीर की गेंद शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट जाकर पुल किया था, गेंद पावरफुल है या नहीं नहीं देखना होगा अंपायर का इशारा। एक रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन 3 विकेट के नुकसान पर। खराब शुरुआत हो चुकी है यहाँ बिजगर की। विशाल पांसा टीम में है, एक बड़ा खिलाड़ी है, बड़ा नाम है, बड़ा सितारा है बिजगर में, फिर भी शुरुआत काफी खराब। एक गेंदी गेंद टप्पा खाने के लेग स्टंप पे थोड़ी बाहर निकली, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, एक अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि 3 रन 4 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये गेंद फिर से है डिक्लेयर जोन में जाएगी गेंद या नहीं, नहीं अंदर है, सिंगल लिया, सिंगल के साथ दूसरा रन भी पूरा किया, 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि 7 रन 1 विकेट के 3 विकेट के नुकसान पर। बड़ा लक्ष्य है उनके सामने, 35 रन बनाने होंगे 18 गेंदों में। दूसरा ओवर प्रगति पर है, 7 रन है 1 विकेट 3 विकेट के नुकसान पर, स्ट्राइक पर है विशाल पांचाल की बल्लेबाजी के ऊपर भरोसा। बढ़िया गेंदबाजी। आहार तालुका राष्ट्रवादी युवा मोर्चा द्वारा आयोजित राष्ट्रवादी युवक ट्रॉफी 2022 का ये तीसरा चौथा दिन का ये दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है, बिजगर बनाम कोथरी के बीच ये मुकाबला। लेकिन जब गेंद जा डालते डालते यहाँ बिजगर थोड़ी बैकफुट पर जाती हुई लगातार वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, एक अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि 8 रन है
तीन विकेट के नुकसान पर जीत का लक्ष्य 35 रन तो अभी भी चाहिए रन, 27 रन दूर है बिजगर की टीम। दूसरा ओवर प्रगति पर है समीर द्वारा, ये गेंदी उठा दिया आड़े बल्ले से, फील्डर गेंद के नीचे है, बहुत ही बढ़िया कैच, बहुत खूबसूरत कैच है यार विशाल पांचाल का। इसी के साथ मुकाबले में सनी नाव सनी नहीं बल्लेबाज, एक गेंदी शायद बल्ले का आउट है, नहीं ना आउट तो आउट है, ये झटका लगता हुआ। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है जो कि 8 रन 5 विकेट के नुकसान पर। नीलेश नहीं बल्लेबाज, छह गेंदे और 27 रनों की आवश्यकता, 6 गेंदे 27 रन, जोरदार प्रहार करना होगा, जोरदार आक्रमण बोलना होगा यहाँ दोनों भी बल्लेबाजों को। गेंदबाज है मंगेश, ये गेंदी गेंद को खेला, 2 मिले, 5 गेंदे 25 रनों की आवश्यकता। आदेश तैयार है अपने अगले मुकाबले के लिए, कुछ रणनीति बना रहे, दिमाग शांत है, नीचे देख रहे, कुछ तो रणनीति उनके दिमाग में बन रही है अनिकेत के लिए। एक गेंद थी डॉट गेंद, शायद शरीर को लगती हुई गेंद थी, गेंद जाती हुई शॉट लेग के दिशा में, फील्डर आए गेंद को उठा दिया, कोई रन नहीं, रन की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर अभी भी यहाँ मुकाबले के ऊपर अपना शिकंजा कस दिया है कोतिरी ने बिजगर के ऊपर, 4 गेंदे 25 रनों की आवश्यकता, 4 गेंदे 4 छक्के भी गए तो भी मुकाबला 1 रनों से जीता जाएगा। एक गेंदी अंदर राइज खेला, लॉन्गन की दिशा में निकलती गेंद, डीप लॉन्गन से फील्डर गए, प्रदीप सकपाल गेंद को फील्ड किया, सिंगल लेने का मौका था, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया, स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन, 6 विकेट 5 विकेट के नुकसान पर, 11 रन सॉरी। सिंगल दिया जाएगा, सिंगल के साथ नीलेश ने अपना खाता खोला, स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन है, जीत के लिए चाहिए अभी भी 23 रन। तो मुकाबले के ऊपर एक शांत मुकाबला होता है, माइंडसेट है बना लिया है बिजगर ने कि हार उनके करीब आती हुई शॉट खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में, प्रदीप सकपाल गेंद के नीचे, 1 रन दिया जाएगा, स्कोर बढ़ता 13, 6 विकेट के नुकसान पर, जीत के लिए अभी भी 22 रनों की आवश्यकता, गेंदें बची है, आखिरी गेंद शायद होगी इस ओवर की, सामने अच्छे से राइट ओवर द विकेट, शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट जाकर पुल करना चाहते थे।